दोस्तों, हम सबके अंदर एक इच्छा होती है कि हमारा पास्ट ऐसा क्या रह गया होगा हमारे पास्ट में जिसकी वजह से हमारा ये जन्म हुआ है, यानी पास्ट जन्म में हमने ऐसा क्या छोड़ दिया जो हमें इस जन्म में करना है। और वो अगर हम करते हैं तो हम अपने पास्ट की जो भी इच्छाएं बाकी रह गई हैं उसको इस जन्म में पूरा कर सकते हैं। तो ये अभी हम जानने के लिए टैरो के माध्यम से हम इसकी हेल्प लेंगे और हम जानेंगे कि हमारे पास्ट जन्म में क्या छूट गया था। तो अभी हम जानते हैं टैरो के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पे तीन कार्ड दिए हुए हैं, ए बी सी। आप तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं और आप जानेंगे कि आपका पास्ट क्या था और आपको इस जन्म में क्या करना है। तो अगर आपने ए चूज किया है तो अभी हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ए चूज किया है तो आप अपने पिछले जन्म में बहुत ही मेहनती थे। आपने बहुत मेहनत की और मेहनत कर आप एक ऊंचाई तक पहुंचना चाहते थे जो आप नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आप जो है पिछले जन्म में बहुत मेहनती थे। वो पता चलता है इससे कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनि का प्रभाव था, यानी आपका नंबर 8 था, आप शनि से प्रभावित थे और बहुत मेहनती थे। अपने पिछले जन्म में आप एक शिखर को प्राप्त करना चाहते थे, एक ऊपर हायर स्टेज को प्राप्त करना चाहते थे, चाहे वो आप बिजनेस में थे या जॉब पे थे, आप जिधर भी थे वो एक हायर स्टेज को आप प्राप्त करना चाहते थे। वो आपका बाकी रह गया था और ये जन्म जो आपका हुआ है वो इसके लिए है कि आपको वापस बहुत मेहनत करनी है और मेहनत करके उस शिखर तक पहुंचना है। और शिखर तक पहुंचकर जैसे बोलते हैं ना कि अब जो है विजय का झंडा लहराना, तो आप इस जन्म में जो आए हैं आप उस शिखर को प्राप्त भी करेंगे और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। अगर आपने ए चूज किया है तो धन्यवाद। आपने बी चूज किया है तो यहाँ पे कह रहा है इल्यूजन। पिछले जन्म में आप बहुत सारे भ्रमों में फंसे हुए थे, बहुत सारे आपके अंदर वहम थे, भ्रम थे, लोगों के ऊपर थोड़ा शक था और उन शक को आप, उन डाउट्स को आप क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि ये नंबर बताता है, नंबर 4 ये बताता है कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था और आप बहुत ज़्यादा भ्रमित रहे। भ्रमित होने के कारण आपको जिस रास्ते पहुंचना था, जहां पहुंचना था, आप अपने वहम में, भ्रम में पहुंच नहीं पाए। ये जो जन्म आपका हुआ है वो इसके लिए हुआ है कि आप जो भी आपके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम है, वहम है, शक है, उसको दूर करें और आप अपनी मंजिल पर आगे बढ़ें। अगर आप इस जन्म में इस भ्रम को दूर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन का जो रास्ता है, जो सफ़र है, वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और आप अपनी मंजिल पर बहुत अच्छी तरह पहुंच जाएंगे। अगर आपने बी चूज किया है तो धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने सी चूज किया है तो आप देख सकते हैं विश्राम। दोस्तों, पिछले जन्म में आप जो थे उन्होंने बिल्कुल भी विश्राम नहीं किया, सिर्फ काम करते रहे। बहुत आपने काम किया, अपने आप को बहुत थकाया। आपके मन में एक भावना थी कि मैं जीवन भर कार्य कर रहा हूँ। और विश्राम का अर्थ सिर्फ काम करने से नहीं होता, विश्राम इंसान तब करता है जब वो ज्ञान में जाता है। तो लास्ट जन्म में आपकी कोई एक खोज थी कि मुझे इस ज्ञान तक पहुंचना है और वो ज्ञान को पूरा करने के लिए, उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए आपका ये जन्म हुआ है जो लास्ट जन्म में बाकी रह गया था। जब आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स होगा, जब आप पूरी तरह से विश्राम में होंगे, तभी आप यूनिवर्स के सत्य को समझ पाएंगे, वो ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे कि मुझे जीवन कैसे जीना है, क्या करना है, मेरा जन्म जो हुआ है वो ज्ञान के लिए हुआ है। और उस ज्ञान की खोज में आप अब निकलेंगे
अब आप अपने दिमाग को संतुलित करेंगे, संतुलित करके विश्राम में जाएंगे और इस जन्म में आप वो ज्ञान को प्राप्त होंगे। तो अगर आपने सी चूज किया है तो धन्यवाद। नेहाज डिवाइन वर्ल्ड देखने के लिए, चूज करने के लिए, पसंद करने के लिए, उन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।